तो भाई लोग, आज के इंट्रो में मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। एक भैया है, इनका जो ब्रदर वगैरह कुछ खो गया है, तो अपने पास में हेल्प मांगने आए हैं। ठीक है, मैं आज के वीडियो को लिए आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा कि भाई आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। देखो यार भाई, मेरे वजह से किसी इंसान की हेल्प हो रही है तो मैं उसको करने के लिए तो ऑब्वियसली बातें करूँगा, क्योंकि यार भैया देखो, उनको लगता है कि मेरे अगर चैनल पर डालने से अगर उनकी हेल्प हो सकती है तो यार अपने लिए तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस लायक बनाया कि अपन हेल्प कर सके। ठीक है, तो भैया का सारी चीज़ें अपन पूछ लेते हैं भैया से। और आप लोग भी प्लीज़ अगर जितना हो सके तो भाई लोग देखो, इंसानियत के नाते शेयर कर देना, क्योंकि यार किसी का बिछड़ा भाई मिल जाए और उनने अपने को याद करा है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं भगवान भी चाहता है कि अपन किसी की मदद करें। और आप लोग भी इस चीज़ में यार, ऑब्वियसली बात है कि मैं आप लोगों को वीडियो भेजूंगा तो आप लोग भी हिस्सेदार रहेंगे किसी का भाई ढूंढवाने में। ठीक है, किसी का घर वाला कोई मिल रहा है। और ऑब्वियसली बात है यार, देखो भाई कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कोई घर से चले जाता है तो इंसान की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है अभी इस समय की हालत में। तो भाई लोग, अपना कोई ऐसा वो नहीं है कि अपन इसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। देखो भाई के लिए भाई आए थे अपना, देखो अभी आप लोग को सबको पता अच्छे से कि अपन अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है, अपना फूड ब्लॉगिंग चल रही है। ठीक है, मोटर ब्लॉगिंग, लाइफस्टाइल ब्लॉग चल रहा है। तो यार देखो, भैया ने वो चीज़ मेरे को बोली है, भैया इतनी सी हेल्प करो, तो यार देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, एकमात्र मेरा 10 मिनट का 20 मिनट का अगर वीडियो भी बन रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अगले के लिए मैं शेयर कर सकता हूँ तो मैं ऑब्वियसली बातें शेयर करूँगा। भैया सारी चीज़ें जान लो। ठीक है, वैसे अपने भैया हैं, इनका कोई ब्रदर घूम चुका है, भैया हेल्प के लिए आए हैं। भैया सारी चीज़ें बता दो उनके बारे में। मैं अतुल पवार, इंदौर गोविंद कॉलोनी से। मेरा छोटा भाई पावल पवार मोनू, जो कि अगले 20 जून से घर से बिन बता है, क्या मालूम कहाँ चले गया। आज एक महीना पूरा हो गया, हमने इंदौर पूरा देख लिया, उज्जैन पूरा देख लिया, देवास देख लिया, ओमकार जी देख लिया, अभी तक कहीं से कहीं ऐसे कुछ खबर नहीं मिली कि भाई मिल गया है या कहीं से कुछ। थाने में भी, बाणंगा थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपको? वहाँ से भी बोलते हैं कि बोले कहीं से खबर लगेगी तो हम तुम्हें बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोल रहे हैं, खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और जैसे अपन भैया की बात करें तो भैया का मतलब कैसा क्या था, कुछ उनको मेंटली डिस्टर्ब था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? हाँ, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब थे, थोड़ा मन बुद्धि है। दवाई गोली कुछ चल रही है? हाँ, दवाई गोली चल रही है भैया। आप ही करते हैं? हाँ, दवाई गोली सुबह शाम मैं देता था। तो मेंटली डिस्टर्ब भैया शुरू से ही है कि या फिर? शुरू से ही है, शुरू मेंटली डिस्टर्ब इतने भी नहीं थे वो। हाँ, मतलब नॉर्मल 50% से भी मतलब कम ही थे। कम थे। तो आपके घर में और कौन कौन है? कोई भी नहीं है, मैं और मेरा भाई। मम्मी पापा की भी अभी, पापा की डेट 3 साल पहले हुई है, मम्मी की डेट अभी साल भर पहले हुई है। तो उसके बाद से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनका और डिस्टर्ब हो गया? हाँ, थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से घर में रह रहे के ही वो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि मतलब भैया कहीं भी जाते थे तो एक दो घंटे में वापस आ जाते। और अब क्या हुआ मतलब कि उस दिन 20 तारीख को ऐसा गए भैया कि मतलब शाम को 6 बजे गए, 6 बजे गए तो हम फिर 7 बजे ढूंढने निकले, उनको ढूंढने निकले तो कहीं भी नहीं मिले। फिर अगले दिन हमने बाणंगा थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो आज एक महीना पूरा हो गया। बाकी पुलिस वालों की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स। तो भाई लोग देख, दो भी देख रहे हैं तो उनको आप बोल दो कि भैया देखो यार, हाथ जोड़ के विनती कर लो सब लोगों से कि यार अगर हो सके तो भाई अपने भाई को ढूंढवाने मदद कर दे, भाई लोग शेयर कर दे वीडियो। बोल दो भैया, सब लोग अपने देख रहे हैं लोग, तो बोल दो वो क्या बोलना चाहते हो आप, और कुछ बोल दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भैया वीडियो, मेरा भाई वापस आ जाए मेरे घर, बस यही चाहता हूँ। ठीक है भैया, ये फोटो है भैया, ये भैया इनका फोटो है, ध्यान से देख लो और मैं अपनी स्क्रीन पर भी डाल दूंगा जो भैया का फोटो है। ठीक है, मैं आप लोगों ने सब भैया वगैरह की बात सुन ली है तो भाई देखो, भाई लोग देखो यार, आपने एक शेयर से किसी का कुछ मतलब किसी का कोई भला हो जाएगा तो अपने लिए मतलब आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर सकते हो। तो भाई एक शेयर व्हाट्सएप पे अगर लिंक डाल दोगे तो कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का। मैं बस यही आप लोगों से मेरी साइड से ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, भैया की वीडियो की जो लिंक है वो आप लोग डाल दो, क्योंकि देखो यार किसी का भाई 1-1.5 महीने से गया है तो आप ऑब्वियसली बात है कि इंसान ने ना मतलब खाना पीना तो यार अपने को ही मालूम है कि अपन खाना वगैरह खाते हैं तो यार मतलब कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इंसान खाना वाना कुछ खा भी नहीं पाता इंसान, वो खुद भैया डिस्टर्ब चल रहे हैं उनके घर में। उनकी पापा की 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी, उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी 1 साल पहले, तो सब भैया ने मेरे को सारी चीज़ें बताई हैं। तो भाई लोग यार जितना हो सके उतना शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि मैं ये कुछ भी नहीं बोलूँगा
कि लाइक करो या कमेंट करो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बस ये नंबर दिख रहा है जो भैया का, उस पर आप लोग फ़ोन लगा दो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर बोल देना। बस मैं इतना बोलूँगा कि आप वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो से आप किसी का भला हो जाएगा, तो आप भला करना ज़रूरी है, अपन इंसान है, इंसानियत दिखाओ, ठीक है।